जय हिंद प्यारे बच्चों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल गिप मैथमेटिक्स अकेडमी। आज का टॉपिक है हमारा मेथड्स ऑफ सॉल्विंग ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी तक हमने क्या पढ़ा है कि जो इक्वेशन है उसे पर्टिकुलर सॉल्व या जनरल सॉल्यूशन में उसे सॉल्व करना। अब हमें डिफरेंशियल इक्वेशन को किस मेथड से सॉल्व करना है उसके मेथड के बारे में डिस्कस करना। फर्स्ट मेथड है यहाँ पर बाय सेपरेबल मेथड, सेकंड बाय होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन एंड थर्ड इज बाय लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। सपोज हमारे पास एक इक्वेशन है एम एक्स डी एक्स प्लस एम वाई dy is equal to zero, तो इसको हमें सॉल्व करना है। तो हाउ टू सॉल्व, हम क्या करेंगे, टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड और फिर हम इसको सॉल्व कर देंगे, दैट इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। हाउ टू सॉल्व, टेक एन एग्जांपल या एक्सरसाइज 9.4। एक्सरसाइज 9.4 में फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्या जाएगा क्वेश्चन नंबर वन, dxy इज इक्वल टू 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x, 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x, हमें इसको सॉल्व करना है। अब देखिए यहां पर हम सेपरेट कर सकते हैं ये डिफरेंशियबल dx और x फंक्शन को एक साथ ले जा सकते हैं। देखिए कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इज इक्वल टू 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x dx, टेकिंग इंटीग्रेट बोथ साइड। तो क्या हो जाएगा, ये इसका इंटीग्रेशन y हो जाएगा और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 sin स्क्वायर x अपॉन 2 और इसको लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर x अपॉन 2, दिस इज कैंसिल dx। हमने यहां पर cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगा दिया, by cos 2 theta is equal to 2 cos square theta minus 1 और 1 minus 2 sin square theta से। तो कितना हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा y is equal to tan square x upon 2 dx इज इक्वल टू टेन स्क्वायर का इंटीग्रेशन हम नहीं जानते, इसलिए यहां पर फॉर्मूला लगाएंगे सेक स्क्वायर एक्स अपॉन टू माइनस वन डी एक्स। सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टेन एक्स अपॉन टू और डिवाइड में टू है माइनस एक्स प्लस सी, वाई इज इक्वल टू टू टेन एक्स अपॉन टू माइनस एक्स प्लस सी, दैट इज योर आंसर, प्लीज मेक इट अप। नाउ सॉल्यूशन नंबर टू, डी डी एक्स वाई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 4 माइनस एच स्क्वायर। पहले सॉल्यूशन नंबर टू देखिए, इसे हम सेपरेट कर सकते हैं, डी डी एक्स वाई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 4 माइनस वाई स्क्वायर। देखिए डी वाई है और ये वाई वेरिएबल है, तो हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 4 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी एक्स, टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड। तो क्या हो जाएगा, ये किसका फॉर्मूला है, बाय स्क्वायर रूट 1 बटे अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स y upon 2 is equal to x plus c, इसका इंटीग्रेशन x हो जाएगा। तो यहां से क्या लिख सकते हैं, y upon 2 is equal to sin x plus c, that means y is equal to 2 sin x plus c, that is your answer, please नोट करें इसे। सॉल्यूशन नंबर 3, सेम है, यहां पर दिया हुआ है
डी इज इक्वल टू वन, तो इसको हम लिख सकते हैं डी डी एक्स वाई वन माइनस वाई, सेपरेट कर दीजिएगा, डी वन माइनस वाई इज इक्वल टू डी एक्स, टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस लॉग वन माइनस वाई, माइनस लॉग वन माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस कॉन्स्टेंट, हमने लॉग इसी का ही ले लिया लॉग सी का, तो क्या करें माइनस एक्स इज इक्वल टू लॉग सी प्लस लॉग वन माइनस वाई, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा लॉग सी वन माइनस वाई, इसको इधर ले आए तो ये हो जाएगा e टू द पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू सी वन माइनस वाई, क्या लिख सकते हैं इसको वन अपॉन सी e टू द पावर माइनस, ये आ जाएगा वन माइनस वाई, दैट मीन्स y इज इक्वल टू वन माइनस वन बटे सी e टू द पावर माइनस एक्स, इस कॉन्स्टेंट को हम कुछ भी अलग कॉन्स्टेंट ले सकते हैं, y इज इक्वल टू a सॉरी ये आ जाएगा वन प्लस ए टू द पावर माइनस एक्स, दैट इज योर आंसर, प्लीज मेक इट अप। नाउ सॉल्यूशन नंबर फोर, ध्यान दीजिए यहां पर sec स्क्वायर एक्स टेन वाई डी एक्स प्लस sec स्क्वायर वाई टेन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो हम यहां पर सेपरेट कर सकते हैं sec स्क्वायर एक्स टेन वाई डी एक्स प्लस sec स्क्वायर वाई टेन एक्स डी वाई इज इक्वल टू जीरो, हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर एक्स टेन वाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस sec स्क्वायर वाई टेन एक्स डी वाई, इसको हम इधर ले जाते हैं और इसको इधर ले जाएंगे, तो कितना हो जाएगा ये sec स्क्वायर एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाई टेन एक्स माइनस sec स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई टेन वाई डी वाई, इंटीग्रेट बोथ साइड। देखिए इसको हम यदि टी पुट कर ले, पुट कर दिया हमने टी वन इज इक्वल टू टेन एक्स, टी वन इज इक्वल टू टेन एक्स, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा डी टी वन डी एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, सिमिलरली टी टू इज इक्वल टू टेन वाई, तो डी टी टू डी वाई इज इक्वल टू सेक स्क्वायर वाई। अब यहां पर हम वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये कितना हो गया, ये तो आपका हो गया डी टी वन ओवर टी वन इज इक्वल टू, सिमिलरली ये कितना हो जाएगा डी टी टू माइनस में ओवर टी टू, इंटीग्रेशन बहुत साइड, तो कितना हो जाएगा लॉग टी वन इज इक्वल टू माइनस लॉग टी टू प्लस, हमने यहां पर मान लिया लॉग सी, इसको इधर ले आएंगे तो लॉग टी वन प्लस लॉग टी टू इज इक्वल टू लॉग सी, ये कितना हो जाएगा लॉग टी वन इंटू टी टू इज इक्वल टू लॉग सी, लॉग से लॉग कैंसिल या कंपेरिजन बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा यहां पर ये आपका हो जाएगा टी वन इंटू टी टू इज इक्वल टू सी, और टी वन और टी टू क्या माने थे हमने टेन एक्स इंटू टेन वाई इज इक्वल टू सी, दैट इज योर आंसर। नाउ सॉल्यूशन नंबर फाइव, क्या दिया बिल्कुल इसी तरीके से हम सेपरेट कर लेंगे इसे, ई टू दी पावर एक्स प्लस ई टू दी पावर माइनस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू सॉरी ये डी वाई है, ई टू दी पावर एक्स माइनस ई टू दी पावर एक्स डी एक्स, इसको हम
इधर ले आए, तो क्या हो जाएगा ये डी वाई यू टू दी पावर एक्स माइनस यू टू दी पावर माइनस एक्स अपॉन यू टू दी पावर एक्स यू टू दी पावर माइनस एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन बोथ साइड वाई इज इक्वल टू। देखिए अगर हम इसे टी पुट करने तो उसका डिफरेंशिएशन ऊपर है, तो क्या हो जाएगा ये आ जाएगा लॉ यू टू दी पावर एक्स प्लस यू टू दी पावर माइनस एक्स प्लस लॉ सी, डायरेक्ट आंसर लिख दिया। तो क्या लिख सकते हैं इसे, ये हो जाएगा लॉ यू टू दी पावर एक्स प्लस यू टू दी पावर माइनस एक्स इंटू सी, ये आ जाएगा e टू दी पावर y इज इक्वल टू u टू दी पावर x प्लस u टू दी पावर माइनस x, दैट इज योर आंसर, प्लीज मेक इट अप। नाउ सॉल्यूशन नंबर 6, डी डी एक्स y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस वाई स्क्वायर, हम इसको लिख सकते हैं अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड। तो क्या हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन, हम जानते हैं tan इनवर्स y प्लस x प्लस एक्स की पावर 3 अपॉन 3 प्लस सी, दैट इज आवर आंसर। नाउ सॉल्यूशन नंबर 7, बिल्कुल इसी तरीके से सेम एज, क्या लिखें यहां पर y log y dx इज इक्वल टू x dy लिख सकते हैं, तो कितना हो जाएगा इसको इधर ले जाएंगे और इसको इधर, ये हो जाएगा dx इज इक्वल टू डी वाई वाई लॉग वाई, इंटीग्रेशन बोथ साइड यहाँ पर एक्स। देखिए इसको हम टी पुट कर ले, तो यहां पर पुट कर दिया हमने कि लॉग वाई इज इक्वल टू टी, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे 1 बटे वाई डी टी और डी वाई, कितना हो जाएगा ये आपका हो जाएगा dy इज इक्वल टू y dt, तो क्या हो जाएगा ये इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया log x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका y dt अपॉन y इंटू t, दिस इज कैंसिल, ये आ जाएगा log t प्लस c। देखिए जहां पर दोनों तरफ लॉग है तो हम कॉन्स्टेंट भी यहां पर लॉग ही लेंगे, तो कितना हो जाएगा लॉग एक्स इज इक्वल टू लॉग ये हमने माना लॉग वाई, लॉग वाई और ये हो जाएगा क्योंकि लॉग एम प्लस लॉग एन होता है लॉग एम इंटू एन, लॉग से लॉग एक्स इज इक्वल टू लॉग वाई सी, क्या लिख सकते हैं इसे x अपॉन c1, c1 ले लो अभी यहां पर क्योंकि हमें कॉन्स्टेंट को एक बार फिर चेंज करना पड़ेगा, तो यहां पर लिख सकते हैं log y, दैट मींस y इज इक्वल टू e टू द पावर x अपॉन c1, यानी कि e टू द पावर c h इज इक्वल टू y, वेयर c जो है हमने 1 बटे c1 मान लिया, दैट इज योर आंसर, प्लीज make it up। Now solution number 8, same as x d is equal to minus y to the power, इसलिए आएंगे हम y to the power 5 dx upon x to the power 5 minus, तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन बोथ साइड, ये हो जाएगा वाई की पावर माइनस फाइव डी वाई माइनस एक्स की पावर माइनस फाइव डी एक्स, क्या लिख सकते हैं माइनस फाइव प्लस वन माइनस फाइव प्लस वन माइनस एक्स की पावर माइनस फाइव प्लस वन माइनस फाइव प्लस वन प्लस सी,
ये हो जाएगा आपका माइनस वाई की पावर माइनस फोर अपॉन फोर इज इक्वल टू प्लस एक्स की पावर माइनस फोर अपॉन फोर प्लस सी। फोर की पूरी क्वेश्चन में मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इधर ले जाएंगे, एक्स की पावर माइनस फोर वाई की पावर माइनस फोर प्लस फोर सी इज इक्वल टू जीरो, हमने सी वन मान लिया। ये हो जाएगा एक्स की पावर माइनस फोर वाई की पावर माइनस फोर प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, दैट इज योर आंसर। नाउ सॉल्यूशन नंबर नाइन, डी वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन बोथ साइड। इसे हम कैसे करेंगे, बाय पार्ट, ये हमने वन वन की मल्टीप्लाई कर दी, ये आपका फर्स्ट हो जाएगा, ये सेकेंड। वाई इज इक्वल टू फर्स्ट रखा रहेगा, सेकेंड का इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकेंड का इंटीग्रेशन और इस सारे का इंटीग्रेशन। तो क्या हो जाएगा, ये तो आ जाएगा एक्स साइन इनवर्स एक्स माइनस वन बटे स्क्वायर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स डी एक्स। इसको यदि हम टी पुट कर दें तो क्या हो जाएगा, वन माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, दैट मीन जीरो माइनस टू एक्स इज इक्वल टू डी टी ओवर डी एक्स, दैट मीन्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी ओवर माइनस टू एक्स। ये वैल्यू हम यहां पर पुट कर देंगे और इसकी जगह टी पुट कर देंगे, एक्स साइन इनवर्स एक्स माइनस वन बटे स्क्वायर रूट ऑफ टी एक्स इन टू डी टी ओवर माइनस टू एक्स, इससे कैंसिल तो बाहर आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स माइनस प्लस वन बाई टू इंटीग्रेशन ऑफ टी की पावर माइनस हाफ डी टी, एक्स साइन इनवर्स एक्स प्लस वन अपॉन टू, और ये हो जाएगा टी की पावर माइनस हाफ प्लस वन और माइनस हाफ प्लस वन प्लस सी। तो कितना हो जाएगा, ये एक्स साइन इनवर्स एक्स प्लस हाफ, ये हो जाएगा टी की पावर हाफ अपॉन हाफ, दिस इज कैंसिल प्लस सी, एक्स साइन इनवर्स एक्स प्लस टी क्या माना था हमने, ये आ जाएगा वन माइनस एक्स स्क्वायर की हाफ प्लस सी, एक्स साइन इनवर्स एक्स प्लस स्क्वायर रूट और माइनस एक्स स्क्वायर वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी, दैट इज आंसर। ये आपका आंसर है, प्लीज मेक इट अप। नाउ सॉल्यूशन नंबर टेन, देखिए इसको हम लिख सकते हैं e टू द पावर x tan y dx माइनस वन माइनस e टू द पावर x sec स्क्वायर y dy, इसे हम सेपरेट कर देते हैं। तो क्या ले आए, इसे लिख सकते हैं e टू द पावर x अपॉन वन माइनस e टू द पावर x dx इज इक्वल टू sec स्क्वायर y अपॉन tan y dy, लेकिन माइनस में टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड। यहां पर हमने पुट कर दिया कि वन माइनस इन टू द पावर एक्स को टी वन पुट कर दिया एंड टेन वाई को टी टू पुट कर दिया, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा जीरो माइनस इन टू द पावर एक्स डी टी वन अपॉन डी एक्स, और इसका हो जाएगा सेक स्क्वायर वाई डी टी टू ओवर डी वाई। रख दीजिएगा वैल्यू, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस डी टी वन अपॉन टी वन इज इक्वल टू माइनस, ये हो जाएगा डी टी टू अपॉन टी टू, इंटीग्रेशन बहुत साइड, माइनस लॉग टी वन इज इक्वल टू माइनस लॉग टी टू,
प्लस लॉग सी, तो कितना हो जाएगा ये, इसको हम इधर ले आए, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस लॉग टी वन प्लस लॉग टी टू इज इक्वल टू लॉग सी, दैट मीन्स ये हो जाएगा लॉग टी टू डिवाइडेड बाई टी वन इज इक्वल टू लॉग सी, लॉग से लॉग कैंसिल, टी टू हमने क्या माना था टेन वाई, तो ये हो जाएगा टेन वाई डिवाइडेड बाई टी वन हमने माना था वन माइनस ई टू दी पावर एक्स इज इक्वल टू सी, तो हम लिख सकते हैं टेन वाई इज इक्वल टू सी वन माइनस ई टू दी पावर एक्स एंड दैट इज योर आंसर, प्लीज मेक इट अप।